हेलो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ फारे दोस्त सर कैसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों मेरे पास EL880D रिसीवर आया है, सिम वाला पुराना वर्जन है, उसका बोर्ड का वर्जन है SP 210-1506C 3.6 वर्जन है इसका। तो इसमें फॉल्ट ये शो हो रहा है, देखो इसकी रेल लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसको मैंने चेक किया तो दोस्तों इसकी VH वाली IC शार्ट आ रही है, VH वाली IC शार्ट आ रही थी इसकी, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैंने डायग्राम मैच किया इस बोर्ड से, ये अपना AC DC वाला जो सर्किट लगाते हैं रिसीवर में, उससे मैच किया। तो इसकी IC बिल्कुल सेम टू सेम आ रही थी, तो ये IC मैंने उतार के इस रिसीवर में लगाई है, तो अपना रिसीवर हो गया 100% ओके। ऐसा कोई आप दोस्तों के पास फॉल्ट आए तो आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट से ये IC तो मिलती नहीं है, ठीक है। तो फिर आप रिसीवर ऐसे ही डायरेक्ट वी पे चला के दे देते हैं, काफी सारे मेरे पास ऐसे रिसीवर आते हैं, काफी सारे मेरे पास ऐसे रिसीवर आते हैं जिसमें IC निकली होती है और खाली वी के चैनल चल रहे होते हैं, H के चैनल नहीं चल रहे होते। तो आज दोस्तों से ये मैं फॉल्ट शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए तो आप इस तरीके से भी रिसीवर रिपेयर कर सकते हो। देखो मैंने IC लगा ली है, तो अभी अपना रिसीवर बिल्कुल ओके हो चुका है। आप दोस्तों को VH दोनों वोल्टेज चेक करा देता हूँ, तो आप दोस्तों को VH के चैनल चेक करा देता हूँ। देखो इसमें 13-18 आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं H का चैनल यहाँ पे सेटिंग करता हूँ, ये H का हो गया, देखो 18 वोल्ट हो गए, ठीक है। तो IC इसमें परफेक्ट VIP वर्क करती है, ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए तो इसी तरीके से आप IC ओपन करके लगा सकते हो इसी किसी भी DC स्विचर से, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ, अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।